माननीय राजा सिंह जी आप क्या बोलना चाहते हैं? जी अध्यक्ष महोदय, सारा देश, अध्यक्ष महोदय, सारा देश ये जानता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर वह बल दे रहे हैं और मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री जो एक इम्पोर्टर देश के रूप में एक इसकी एक मान्यता रही है वो हमारा भारत देश एक एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में सारी दुनिया में खड़ा हो जाए इस कारण बराबर प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया के इस कार्यक्रम पर बल दे रहे हैं। इतना ही नहीं इस कारण भी मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर बल दे रहे हैं ताकि हमारे देश के नौजवानों को बड़ी संख्या में रोजगार हासिल हो यह उद्देश्य है हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन इस मेक इन इंडिया इस शब्द के साथ जिन शब्दों की तुकबंदी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी के द्वारा की गई है, अध्यक्ष महोदय सचमुच मैं ये कहना चाहता हूं मैं तो आहत हुआ हूं, पूरा सदन आहत हुआ है और मैं समझता हूं सारा देश आहत होगा। क्या इस सदन में ऐसे भी लोग सुनकर आ सकते हैं अध्यक्ष महोदय जो कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं उस शब्द का इस सदन में प्रयोग नहीं कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय यह जो तर्क दिया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि इसके पहले भी हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग बाहर किया था तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इस सदन में हम लोगों ने स्वयं अपने जिन सदस्यों को जिन्होंने थोड़ा इधर उधर का शब्द प्रयोग किया था उनको बुलाकर यहां पर खेद व्यक्त कराया है, चाहे वह साधी निरंजन ज्योति रही हो चाहे वह हमारे अनंत कुमार जी हेगड़े रहे हो। तो कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता के द्वारा भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो क्यों नहीं उसे सदन में आना चाहिए और पूरे सदन से ही केवल माफी नहीं मांगनी चाहिए बल्कि सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं ऐसे व्यक्ति को सदन का सदस्य बनने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय और सदन में आए और सदन से ही नहीं पूरे देश से बचा पाया।